हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह के बारे में जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि हमें धन दौलत सुख सब चीज़ें चाहिए। हम जो भी चीज़ें देखते हैं दुनिया में वो सब चीज़ें हर एक व्यक्ति की आशा होती है, एक चाहत होती है। तो वही शुक्र अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये चंद्रमा की राशि कर्क राशि में अब 6 जुलाई को प्रवेश कर जाएंगे। तो 6 जुलाई को ये प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे इसे हम समझने वाले हैं, क्योंकि ये विचित्र स्थिति है। ये जो परिवर्तन शुक्र का है ना, थोड़ा विचित्र टाइप का है। क्यों? क्योंकि जहाँ एक तरफ धन लाभ है वहीं एक तरफ कई तरह की समस्याएं भी हैं, कई तरह के लाभ भी हैं, कई तरह के नुकसान भी हैं। क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या समस्याएं हैं, कैसे बचना चाहिए, क्या कारण है इसके पीछे, ये भी समझते हैं। सबसे पहले हम कारण समझते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ा विचित्र परिवर्तन है, क्योंकि देखिए अपने आप में ये जो परिवर्तन है कर्क राशि में है, और कर्क राशि में यानी कि अपने शत्रु की राशि में, परंतु दूसरी तरफ शत्रु के साथ युति भी होगी। यानी कि 16 जुलाई से सूर्य भी आ जाएंगे कर्क में, तो सूर्य के साथ युति होगी। इस युति से वैभव योग का निर्माण होगा, जो कि मुझसे आप हमेशा सुनते रहते हैं। तो ये वैभव योग अपने आप में कई तरह के लाभ देने वाला, और विशेषकर नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि क्या लाभ देता है। तो ये अपने आप में एक विचित्र परिवर्तन है। इसका लाभ क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, ये समझते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि शुक्र महाराज आपके इस समय आय भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके धन के अधिपति होते हुए और आपके भाग्य भाव के अधिपति होते हुए और आपके संतान भाव से भी संबंध बनाएं। तो देखा जाए तो इस समय शुक्र का ये परिवर्तन आपको धन लाभ दिलाने वाला, आपको आय में वृद्धि दिलाने वाला, और कई तरह की स्थितियों को बनाने वाला, यानी कि अपने आप में कई तरह की समस्याओं से बाहर निकालने वाला। विशेषकर धन के मामले में बहुत अच्छी स्थितियाँ होंगी, परंतु पारिवारिक स्थितियाँ बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं। परिवार में, घर परिवार में आपस में कलह का माहौल बन सकता है। आपकी वाणी इस समय थोड़ी कड़वी हो सकती है। आपके वाणी में एक विपरीत के प्रति थोड़ा अपमानजनक स्थितियाँ बन सकती हैं। तो अपने विपरीत का पूरी तरह से सम्मान अवश्य करिए और अपने वाणी में संयम रखिए, जिससे घर परिवार में कलह का माहौल ना बनने पाए। और जो लव पार्टनर है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, परंतु 16 जुलाई के बाद फिर थोड़ा सी सावधानी आपको रखनी होगी। परंतु 16 जुलाई के पहले लव पार्टनर के लिए विशेष रूप से लाभ की स्थिति होगी। यानी कि लाभ क्या कि जो बात ब्यात थी, अनमन की स्थिति थी, वो दूर होकर आपस में प्रेम बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए अवश्य थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इस समय मन आपका मनोरंजन में लगेगा। तो मनोरंजन करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? तो मनोरंजन करने से बचिए, थोड़ा अपने मन को स्थिर करिए। अपने मन को स्थिर करने के लिए योग प्राणायाम साधना करिए और अपने पढ़ाई में ध्यान लगाइए, ना कि टाइम पास करने में। जो लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत सावधानी, खासकर शेयर मार्केट में या ऐसे क्षेत्र जहां बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। खासकर यदि आप शुक्र से संबंधित इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ जहाँ धन लाभ होगा वहाँ बड़ा नुकसान भी अचानक हो सकता है। यानी कि अचानक लगेगा कि बहुत लाभ मिल रहा है और आपने सोचा कि नहीं, थोड़ा जब लाभ मिलता है ना तो हम सोचते हैं, अक्सर जो लोग शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्ट करते हों तो क्या होगा, जब लगता है कि ये भाई हम इन्वेस्ट हमने किया इससे बहुत लाभ हो रहा है, चलो और भी इन्वेस्ट करो और करो और करो, इसी में आप फंस सकते हैं। तो जो भी करना है तो बहुत सोच समझ के करना होगा। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यहाँ पर स्थितियाँ क्या बनने वाली हैं कि आपको कई तरह की यात्राओं का मौका मिलेगा, जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। और आपके जीवन में इस समय आप महसूस कर पाएंगे कि अचानक कई सारे मेरे काम बन रहे हैं, कई काम मेरे जो बिगड़े हुए थे वो अचानक बनने प्रारंभ हो चुके हैं। और बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बाद विवाद, अनमन की स्थिति बन सकती है, तो इसके लिए आपको अपने
मन को, अपने वाणी को संयम रखना, क्योंकि इन्हीं से तो वाद विवाद होता है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर संयम रखना है, और आपके जो बॉस हैं उनसे भी थोड़ा सा अनमन की स्थिति बनने की संभावनाएं हैं, तो इससे भी आपको सावधानी रखनी होगी। तो देखा जाए तो जहाँ एक तरफ कुछ लाभ है तो कुछ समस्याएं भी क्रिएट कर रहे हैं शुक्र महाराज, जो कि वैसे देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए ये परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक ही है। ये जो समस्याएं तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, परंतु लाभ ज़्यादा है कर्क राशि ये कन्या राशि वालों के लिए। कर्क में जो गोचर है शुक्र का, तो ये लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। तो आप तैयार हो जाइए, और यदि हम उपाय की बात करें तो उपाय की विशेष कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी उपाय करने से अच्छा ही है। तो आप उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना नारायण के साथ में अवश्य करिए, जिससे आपको कई तरह के लाभ और भी मिल सकते हैं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।